चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार और बीजेपी के धाकड़ नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि आजमगढ़ से चुनाव हार चुके हैं, उनके बारे में सोशल मीडिया पर एक काफी ज्यादा खबर चल रही थी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को मोदी सरकार में मंत्री पद मिलेगा, जिसका भोजपुरी दर्शक काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और इस चर्चा को काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर छेड़ रखे थे। लेकिन यह सपना दिनेश लाल यादव निरहुआ का फैंस को साकार नहीं हो पाया। जी हां, आपको बता दें कि मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में उम्मीद लगा रखे थे कि लोगों को मोदी निरहुआ को कोई ना कोई मंत्री पद देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को कोई भी मंत्री पद नहीं मिला है, जिससे भोजपुरी दर्शक काफी ज्यादा नाराज हैं और सोशल मीडिया पर अपने अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दर्शकों ने लिखा है कि जिस तरीके से पिछली बार स्मृति सिन्हा चुनाव हारे थे लेकिन उन्हें मंत्री पद दिया गया था, ठीक उसी तरीके से दिनेश लाल यादव निरहुआ को भी कोई ना कोई मंत्री पद देना चाहिए, क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आजमगढ़ में बीजेपी का झंडा काफी ज्यादा बुलंद किया है। जिस तरीके से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आजमगढ़ में जोर शोर चुनाव प्रचार किया था, उससे लग रहा था कि आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ जीतेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आजमगढ़ में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की पूरी फौज खड़ी कर दी थी। निरहुआ ने सुपरस्टार पवन सिंह के साथ रोड शो किया, तो वहीं आम्रपाली दुबे के साथ भी उन्होंने रोड शो किया। साथ ही साथ भोजपुरी के कई बड़े सुपरस्टार और छोटे सुपरस्टार के साथ उन्होंने आजमगढ़ की गलियों में वोट मांगते हुए नजर आए, लेकिन उनकी मेहनत सफल नहीं हो पाई। लेकिन इतना तो कंफर्म हो गया कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जिस तरीके से बीजेपी का झंडा आजमगढ़ में बुलंद किया था, उससे लोगों को लग रहा था कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को कोई ना कोई मोदी सरकार मंत्री पद जरूर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखना यही होगा कि क्या आगे चल के दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ में टिके रहेंगे या फिर वो सीधा सीधी बैक टू मुंबई जाएंगे, क्योंकि वहां पे उनकी कई सारी फिल्में की शूटिंग बाकी है।